कोई लड़का अपना माँ का गहना गिरवी रखे, कोई लड़का खेत गिरवी रखे, कोई पैसा लगा के पढ़ाई किया था। तकरीबन 14 अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। सस्ते और कम रेट के चौकीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शॉक थे जब ये आया था, और मैंने आर्मी में कहा था कि 25%। ये डिसाइड किसने किया सर? पीएम ऑफिस से आया डायरेक्ट विदाउट देयर कंसल्टेंसी। ऐसा कभी नहीं हुआ सर। यहाँ पर जो ये बच्चे हैं इनकी शादियाँ ही तभी होती है जब इनकी नौकरी लग जाती है, वरना होती ही। मैं आपकी बात सुनने आया हूं, तो आप अपनी बात रखिए, कोई सवाल हो वो पूछिए, मगर जो आप कहना चाहते हैं कहिए। हमारे यहाँ क्या है, क्रेज है आर्मी का, तो मैंने भी यही ट्राई किया, तो मेरा सारा प्रोसेस हो चुका था। आगे जाके इन्होंने अग्निपथ योजना लगाई और सारा कैंसिल कर दिया सर। यहाँ से कोई मेरे को सेंटर से मैसेज भी नहीं आया था कि आपका ज्वाइनिंग वगैरह आपको दी नहीं जाएगी। 4-5 महीने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर तरह से मतलब लगे हुए हैं, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और अब ऐसा हाल हो चुका है सर कि जंतर मंतर पे परमिशन के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से भगा दिया जा रहा है सर। लोकतंत्र में भी हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाने पर वहाँ से भगा दिया जा रहा है सर। आखिर हमारी गलती क्या है सर? हमने फौज का सपना देखा था, हमने मेहनत किया था, इसके लिए 4 साल 5 साल मेहनत किया था सर, फिर भी सरकार हमारी भर्ती नहीं कराई। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। और आप भी प्रोविजनल लिस्ट पे थे? जी सर बिल्कुल, हमारा सारा चीज़ क्लियर था सर। कोई लड़का अपना माँ का गहना गिरवी रखे, कोई लड़का खेत गिरवी रखे, कोई लड़का कहीं से लाकर पैसा लगा के पढ़ाई किया था। और जब भर्ती रद्द हुई सर, उसके बाद में लड़का के ऊपर कर्ज था, वो प्रेशर झेल नहीं पाया, जिसमें 64 से 65 अभ्यर्थी आत्महत्या कर ली। और जब भी सर हम लोग मीडिया के पास जाते हैं आवाज़ उठाने के लिए, सीधा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है लोग कि मेरे बस में, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं उठा सकता सर। जब ग्राउंड में तैयारी करने जाता था वहाँ पर 400 से 500 लोग मेरे साथ तैयारी करते थे। जब से ये अग्निवीर योजना आई है तब से वही 10-15 लोग आते हैं सर। हमें सर जो अग्निवीर बन भी गए हैं उनकी कोई शादी नहीं कर रहा है सर। अग्निवीर का दर्जा देता है, अग्निवीर की निगाहों से देखता है, ना कि फौजी की तरह नहीं देखता है सर। और सर अभी हमारे साथ के जो थे वो शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया सर। और सर अगर उन्हें 25% में भी रखेंगे तो सर उन अपने खास लोगों को रखेंगे, और हम पिछड़े गरीब लोगों को क्या होगा सर? हमारी तो कोई पहुंच ही नहीं है। ये इस तरह से 4-4 साल के जो अग्निवीर पैदा कर रहे हैं, ये अपनी फैक्ट्रियों में लगाने के लिए सस्ते और कम रेट के चौकीदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश के साथ खतरा कर रहे हैं महोदय। ये आप स्पष्ट करिए कि जब आपकी सरकार आएगी तो आप अग्निवीर को हटा के जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसको लागू करेंगे, और हम सैनिकों के जो आरक्षण हक और अधिकार हैं जो हमें पूर्व में मिलते थे कांग्रेस की सरकार में, वो मिले तो हमारे देश की तरक्की और बेहतर होगा। मेन प्रॉब्लम क्या हुई है, हमारी 2004 के बाद जितनी भी पेंशन योजनाएं थी वो सारी बंद कर दी गई हैं। आर्मी के साथ में CSD कैंटीन का जो सुविधाएं मिलती थी वो सारी बंद कर दी गई हैं। CPOs का हर व्यक्ति त्रायमान है, परेशान है सर। एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो अग्निवीर सेलेक्ट किया गया है इसमें तीनों चीफ की एग्रीमेंट नहीं थी उस समय, क्योंकि वो आर्मी में सर्व कर रहे थे तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही रिटायर हुए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपनी बुक में लिखा कि इसमें हम लोग तीनों लोग शॉक थे जब ये आया था, और मैंने आर्मी में कहा था कि 25%। तो ये डिसाइड किसने किया सर? पीएम ऑफिस से आया डायरेक्ट NSA। यस यस सर। एक टैंक को चलाने के लिए अगर टैंक का ड्राइवर है उसको 120 बटन देखने पड़ते हैं, और नीचे से माइन फील्ड है, ऊपर से गोले आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, उसके बीच में उसको मेंटली फिजिकली ट्रेंड होके तभी वो निकल सकता है, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता है। और आज हमारे यहाँ पे तकरीबन 14 ऐसे अग्निवीर हैं जो अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। तो आर्मी ने ये रियलाइज़ किया कि ये मेंटली एंड फिजिकली रॉबस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करना पड़ेगा। पहली बार ऐसा हुआ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ आए, आपने अपनी बात रखी। जो 1.5 लाख लोग हैं इनके टच में मैं हूँ। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे पास आए थे, दिल्ली में आए थे, यात्रा में मुझसे मिले, और हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी पूरी मदद करें। आपके साथ बिल्कुल गलत किया गया है। अन्याय है और हम आपके साथ मिलकर या तो कॉम्पनसेशन लेने की कोशिश करेंगे या कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकालने की कोशिश करेंगे। अग्निवीर योजना पे मेरी ओपिनियन है ये देश को मजबूत करने वाली योजना नहीं है और इससे सेना का भी ये नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है। अगर हमारी सरकार आएगी हम इसे रीअसेस करेंगे, हम इसको देखेंगे और अगर हमें लगे कि ये कैंसिल किया जा सकता है तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। जो आपने एक्स सर्विसमैन ने कहा बिल्कुल सही कहा है, आपको सपोर्ट मिलना चाहिए और वो जो आपका 10% रिजर्वेशन का है उसको हम असेस करेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरी ओपिनियन है कि जो भी सेना में जाता है उसको सरकार एक गारंटी देती है कि आप देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो तो हमारा काम आपकी प्रोटेक्शन करने का है। ये एक आप इसको कॉन्ट्रैक्ट मान लो, एक रिश्ता मान लो और अग्निवीर स्कीम जो है इस रिश्ते को तोड़ रही है क्योंकि जो लड़ेगा, मान लीजिए दो लोग लड़ रहे हैं, एक अपने आप को अग्निवीर मानता है, वो जानता है कि भैया मैं शहीद हो गया तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा और उसी के साइड में दूसरा लड़ रहा है और उसको पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा फायदा मिल रहा है, तो जो अग्निवीर है वो पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा और वो ठीक से लड़ेगा भी नहीं, डर जाएगा, उसमें जो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए नहीं आएगी। मुझे लगता है इस स्कीम को रीअसेस करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस स्कीम की ज़रूरत है या नहीं। फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं और कांग्रेस पार्टी हम आप सबकी मदद करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। लोकतंत्र है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपका हक है, आपको रोकना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।